अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 NHAI द्वारा 7,716 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाला 6-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, जो दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक एवं प्रदूषण संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा। UER2 का निर्माण 5 पैकेज में किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 75.71 किलोमीटर होगी और 2 साल में निर्माण कार्य पूरा करके दिल्ली एवं देशवासियों को समर्पित करने का लक्ष्य है। UER2 के पैकेज 1, 2 और 3 का नामांकन नेशनल हाईवे 344N किया गया है। यह हाईवे NH44, NH10 एवं NH48 को जोड़ेगा, जिससे कि वेस्ट साउथ दिल्ली IGI हवाई अड्डे, गुड़गांव से उत्पन्न होने वाले यातायात को चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, जयपुर, झज्जर की ओर जाने के लिए दिल्ली शहर से बायपास करेगा। इससे दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड, धौलाकुआं, मुकरबा चौक पर ट्रैफिक में कमी आएगी। यह हाईवे द्वारका में प्रस्तावित IICC को द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्ट करेगा। NH 344M में कुल 19 फ्लाईओवर, 8 अंडरपास, 2 रोड ओवरब्रिज, 9 व्हीक्युलर अंडरपास, 1 लाइट व्हीक्युलर अंडरपास, 1 मेजर ब्रिज, 17 पेडेस्ट्रियन सबवे, 12 बॉक्स कलवर्ट, 27 बस बेस और लगभग 81 किलोमीटर की सर्विस या स्लिप रोड का प्रावधान है। पैकेज 1, इसकी कुल लंबाई 15.70 किलोमीटर होगी। पैकेज 1 NH44 गांव बकोली से आरंभ होकर कराला कंझावला रोड पर खत्म होगा। NH44 और पैकेज 1 के जंक्शन पर यातायात के फ्री फ्लो मूवमेंट के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित है, जिसमें 3 फ्लाईओवर और 1 अंडरपास का प्रावधान है। चेनेज 3+505 पर दिल्ली सोनीपत रेलवे लाइन के ऊपर रोड ओवर ब्रिज का प्रावधान है। चेनेज 14+000 पर कराला कंझावला रोड के ऊपर फ्लाईओवर प्रस्तावित है। पैकेज 2, इसकी कुल लंबाई 13.45 किलोमीटर होगी। पैकेज 2 कराला कंझावला रोड गांव मोहम्मदपुर मांजरी से आरंभ होकर नजफगढ़ नांगलोई रोड पर खत्म होगा। पैकेज 2 में हाईवे का प्रस्तावित अलाइनमेंट बिल्ट अप क्षेत्रों को बाईपास करते हुए चेनेज 20+700 पर रेलवे लाइन को रोड ओवर ब्रिज के माध्यम से पार करेगा। चेनेज 21+500 पर हाईवे का अलाइनमेंट ग्राउंड लेवल पर NH10 और +2 लेवल पर दिल्ली मेट्रो लाइन के पिलरों के बीच से +1 लेवल पर पार करेगा। चेनेज 22+650 पर 24-लेन टोल प्लाजा का प्रस्ताव है। पैकेज 3, इसकी कुल लंबाई 9.66 किलोमीटर होगी। पैकेज 3 नजफगढ़ नांगलोई रोड गांव नंगली सकरावती से आरंभ होकर द्वारका सेक्टर 24 में द्वारका एक्सप्रेसवे पर खत्म होगा। चेनेज 37+370 पर स्थित नजफगढ़ ड्रेन को पार करने के लिए मेजर ब्रिज प्रस्तावित है। पैकेज 4, UER2 के पैकेज 4 का नामांकन नेशनल हाईवे नंबर NH 344P किया गया है और यह दिल्ली कटरा हाईवे को KMPE कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा। पैकेज 4 की कुल लंबाई 29.60 किलोमीटर रहेगी। पैकेज 4 पैकेज 1 के चेनेज 7+750 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से आरंभ होकर बरवासिनी बाईपास NH 352A पर खत्म होगा। चेनेज 9+550 पर 16 लेन का टोल प्लाजा प्रस्तावित है। पैकेज 5, UER के पैकेज 5 का नामांकन नेशनल हाईवे नंबर NH 344N किया गया है। यह 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे NCR में रोहतक बहादुरगढ़ क्षेत्र को कंझावला के साथ कनेक्ट करेगा। यह हाईवे KMPE की दूरी को दिल्ली से कम भी करेगा। पैकेज 5 की कुल लंबाई 7.3 किलोमीटर होगी। पैकेज 5 पैकेज 2 के चेनेज 26+100 गांव देचाऊ कला से आरंभ होकर बहादुरगढ़ बाईपास NH10 पर खत्म होगा। इस प्रकार UER के निर्माण से दिल्ली में प्रदूषण, बढ़ते यातायात और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का काफी प्रमाण में निराकरण होगा। उत्तर भारत का पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत का यातायात और भी सुगम हो जाएगा। दिल्ली के पिछड़े क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अनेक अवसर खुलेंगे।
NHAI, not just roads, building a nation.